ये स्लोप देखो कितना खतरनाक है, अगर मैं ब्रेक नहीं लूंगा तो स्पीड ज्यादा हो जाएगी और अगर ब्रेक लूंगा तो स्लिप होने के चांसेस 100% है। ये देखो पूरे रोड पे पत्थर ही पत्थर। ओह शिट, वो घर देखो, पूरा का पूरा घर टेढ़ा हो गया घर। और मेरे सामने है वो वर्ल्ड फेमस चर्च जिसकी वजह से यहाँ इस जगह को जाना जाता है। वो वहाँ कहीं छुपे हुए हैं सूरज भाई साहब, उनका इंतजार है। एक बार वो निकल जाते हैं, टेंट सूखता है तो फिर पैकिंग करके आगे को निकलेंगे। तो यार अभी ये आया पेड़ में से टूटा हुआ ताज़ा ताज़ा संतरा। हम एक्चुअली खड़े होकर किसी के पेड़ में से देख रहे थे तो उन्होंने बोला कि आप घर चले जाओ, हम भिजवाते हैं। ये आ गया है। मैं एक बार बोलते थे मैं हाँ भूल गई आगे जला दिया है, ठंड बहुत है यहाँ। अच्छा ये बकरी भी बेचारी आग के पास खड़ी हुई है, इधर लग रही है ठंड। ये भी आ गई। मैं जूते पहनेगी। ये है आज का हमारा ब्रेकफास्ट, एक भुर्जी और पराठे और ये चाय। तो फिलहाल अभी मैं गांव से वापस आ गया कैंपिंग साइट में और यहां से अपना कैंप जो है हमारे वो अनइंस्टॉल करेंगे, पैकिंग करेंगे और यहां से आगे निकलेंगे। अब आगे हमें जाना है पहले अबेट माउंट, वहां देखते हैं कितना टाइम लगता है। अगर टाइम बचा तो पिथौरागढ़ के लिए आगे निकल जाएंगे या फिर हो सकता है कि हम लोहागढ़ जाके भी कैंप करें, तो वो आपको आगे आगे वीडियो में पता चल ही जाएगा। तो चलो फिर टेंट अनइंस्टॉल करते हैं। Told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. तो पैकिंग अभी पूरी हो चुकी है, अब फटाफट निकल रहे हैं यहाँ से। बाइक्स वगैरह रेडी हो गई है, लोड हो गए, स्टार्ट करते हैं बाइक को और निकलते हैं। तो जी डेस्टली को हमने बाय बाय बोल दिया, यहाँ से निकल गए। अब हम जा रहे हैं एबट माउंट की तरफ। एबट माउंट यहाँ से है 8.5 किलोमीटर, लेकिन क्योंकि पहाड़ों में है और काफ़ी नैरो रूट है तो उस वजह से दिखा रहे हैं कि 23 मिनट का रास्ता है। तो यहाँ से लगने वाले 20 से 25 मिनट, क्योंकि 23 मिनट ये दिखा रहा है, ऊपर नीचे हो जाता है। काफ़ी शांत और सुंदर जगह है ये, ट्रैफिक नहीं है, कुछ नहीं है। लास्ट नाइट यहाँ कैंपिंग करने में मज़ा बहुत आया, ठंड थी नो डाउट, -2 तक टेम्परेचर गया था, लेकिन मज़ा आया क्योंकि हम तैयार थे, हमारे पास ठंड से बचने के लिए जो गियर्स चाहिए होते हैं वो पूरे थे, तो उस वजह से हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, मज़ा आया। तो यार फाइनली अभी एबट माउंट पहुँच चुके हैं और एबट माउंट जो है वो इस पहाड़ी के टॉप पे है। ठंड काफ़ी है यहाँ क्योंकि खुला एरिया है बिल्कुल, और मेरे सामने है वो वर्ल्ड फेमस चर्च जिसकी वजह से यहाँ इस जगह को जाना जाता है। ये पीछे जो आपको दिख रहा है वो चर्च है, अब हम वहीं जाने वाले हैं। बाइक से हमने पीछे पार्क कर दिए हैं और थोड़ा बहुत सामान छोड़ के जा रहे हैं, बाकी जो मेन कैमराज वगैरह कॉस्टली आइटम वो सब लेके जाएंगे। तो ये हमारे सामने है वो चर्च, एबट माउंट चर्च, और इससे थोड़ा नीचे जाके वो हॉन्टेड हॉस्पिटल है जिसके बारे में बहुत सी स्टोरीज आपने सुनी होगी, नहीं सुनी है तो आप गूगल वगैरह कर लो, काफ़ी फेमस जगह है ये। लग रहा है काफी टाइम से बंद है। लोहे की तारों से बांध के बंद किया हुआ इसे, और यहां से है एक जाल और इस विंडो से शायद कुछ दिखे। ये अंदर कुछ सीट्स हैं, मांस होती होगी जब तो लोग यहां बैठते होंगे, बट अभी तो टूट गई हैं।
डेडिकेटेड टू द मेमोरी ऑफ मिसेस एल एस एबट इरेक्टेड बाय हर हस्बैंड इन 1942। तो ये चर्च बना था 1942 में। हालत देखो चर्च की कैसी हो गई है, और शायद ये काफ़ी टाइम से बंद है। इसमें लोहे की बाड़ वगैरह लगा रखी है ताकि लोग अंदर ना जाएं। यहाँ लिखा हुआ है कि रविवार प्रातःकाल 10 से 12 प्रेयर होती है यहाँ, बट आई डोंट थिंक, इसकी हालत देख के तो आई डोंट थिंक यहाँ होती होगी। हॉस्पिटल हम जा नहीं पाए क्योंकि नीचे गए थे, मेन गेट जो है वहाँ लॉक लगा हुआ है और ऊपर काफ़ी ज़्यादा चढ़ के जाना होगा, और मुझे नहीं पता कि वो अलाउड है या नहीं है, क्योंकि मेन गेट अगर बंद है तो फिर मेरे ख्याल से अंदर जाना अलाउड नहीं होगा। तो फिर अंदर नहीं गए और काफ़ी नीचे था, थक गए ऊपर आने में। अब यहाँ से निकल रहे हैं सीधा पिथौरागढ़ के लिए, तो मैं सीधा मिलूंगा अब आपको रोड पे। अब हम निकल रहे हैं वापस पिथौरागढ़ की तरफ, और रास्ता जो है काफ़ी ख़तरनाक होने वाला है क्योंकि अब हमको डाउन में उतरना है। जब तक चढ़ाई थी तो हम चढ़ गए थे, डाउन में स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि ब्रेक आपको लगानी ही होगी। पीछे चर्च था और ये एक बड़ा सा मैदान है, इसके बाद बिल्कुल एक स्लोप आने वाला है ख़तरनाक वाला। ये देखो चढ़ा के आया तो चढ़ गया था, लेकिन उतारने में दिक्कत होगी। ये स्लोप देखो कितना ख़तरनाक है, अगर मैं ब्रेक नहीं लूँगा तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, और अगर ब्रेक लूँगा तो स्लिप होने के चांसेस 100% है। ये देखो स्लिप होनी शुरू हो गई, ये जो आवाज़ है नहीं खर खर, ये मेरा टायर स्लिप कर रहा है उसकी आवाज़ है। अब ये देखो मैं किस हाइट पे हूँ और निशांत भाई कितने नीचे हैं, जबकि हम सेम रोड में हैं। कैसे करें कैसे, ओ और ख़तरनाक है। तो चलो 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 चलो, निशांत भाई रुके हैं मेरे लिए क्योंकि उनको भी पता है कि है तो ख़तरनाक ही। चलो तो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, फिर आगे रोड पे आपसे मिलता हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना होगा। मेन रोड पे आता हूँ तो फिर बात करते हैं, तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दो। हर जगह पहाड़ गिरे हुए हैं, कितनी गंदी बारिश हुई है यहाँ। ये देखो पूरे रोड पे पत्थर ही पत्थर। ओह शिट, वो घर देखो, पूरा का पूरा घर टेढ़ा हो गया। घर नहीं है, पुलिस स्टेशन है, चेक पोस्ट घाट थाना लोहा घाट। शिट, रिस्की है भाई, बहुत रिस्की है। तो जब भी मैं ऐसे ब्रिज क्रॉस करता हूँ ना, मुझे बहुत मज़ा आता है, मुझे पता नहीं बहुत सही लगते हैं ये ब्रिज। नीचे देखो पूरा नदी, कौन सी ये नदी है वो तो मुझे पता नहीं है, कहीं लिखा भी नहीं हुआ है, पर काफ़ी बड़ी है। तो जी 20 किलोमीटर और रह गया यहाँ से पिथौरागढ़, जिसको कवर करने में आई गेस पौना घंटा लगना चाहिए, अकॉर्डिंग टू गूगल भी 47 मिनट लगेंगे, और टाइम अभी हो रहा है 1:13, गूगल के हिसाब से हमको 2 बजे पहुँच जाना चाहिए। मैं देखता हूँ अभी बात करके निशान से, पिथौरागढ़ में लंच करेंगे पहुँच के, और अगर प्लान बना तो फिर आगे निकल जाएंगे, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि 3-4 बजे तक राइड कर लेते हैं। आज जितनी ज़्यादा राइड कर लेंगे कल उतना ही कम डिस्टेंस हमें कवर करना होगा। तो यार अभी राइड करते हुए करीब 1.5 घंटा हो गया, थोड़ा थक भी गए थे, चाय पी निकले यहाँ रुके हुए हैं, और यहाँ से व्यू भी काफ़ी सही है, तो व्यू भी इंजॉय करेंगे। तो ये आ गए अपने चाय और पकौड़े, निशांत भाई ऑलरेडी खा रहे हैं, हम भी शुरू करते हैं। बाकी भैया ने ये आग लगा रखी है, ये लग जाती है तो थोड़ी देर तापेंगे क्योंकि ठंड हो रही है।
लंच का तो अभी टाइम हुआ नहीं है, डेढ़ बज रहा है, तो थोड़ा बहुत भूख लग रही थी तो हल्का था, हमने स्नैक्स ले लिया था पीछे। लंच करेंगे हम या तो पिथौरागढ़ या फिर पिथौरागढ़ से थोड़ा बहुत आगे चल के, और बाकी पिथौरागढ़ में भी अभी रुकने वाले नहीं है क्योंकि वहाँ रुकने का कोई पॉइंट बनता नहीं है। हम सोच रहे थे कि आज जितना आगे जा सकते हैं चलेंगे। वैसे भी पीछे जिस भाई का ढाबा था उसने बताया कि यहाँ पर बाघ और गुलदार का बहुत इशू है, तो जब पहले से पता है कि ऐसा इशू है तो क्यों रुकना है, यहाँ आगे चलते हैं, रिस्की है, थोड़ा थोड़ी सेफ जगह देखेंगे वहाँ करेंगे कैंप। तो ये आ गया पिथौरागढ़, और पिथौरागढ़ देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा शहर है। तो जनरली अगर आप गांव वगैरह में देखेंगे ना तो इस तरीके से एकदम क्लोज घर नहीं देखने को मिलते हैं, थोड़ा डिस्टेंस में होते हैं और खुला खुला एरिया होता है, बट यहाँ तो बहुत सारे घर हैं यार, मतलब दिल्ली मुंबई जैसा बड़ा शहर दिख रहा है। एंड आई एम श्योर कि अगर नीचे हम जाएंगे तो अंदर छोटी छोटी गलियाँ भी मिलेंगी जैसे शहरों में देखने को मिलती हैं, लेकिन अब तो खैर पहाड़ों में भी ये हालात हो गए, शिमला वगैरह भी सब ऐसा ही हो गया। ये रोड देखो यार, यहाँ सेफ्टी के नाम पे ना साइड पे कोई ग्रिल वगैरह कुछ भी नहीं है, अगर बाइक या फिर कोई बड़ी गाड़ी भी स्किड होती है तो सीधा नीचे जाएगी, रुकने के लिए कुछ नहीं है। पर ये देखने में बहुत खूबसूरत दिख रहा है क्योंकि ग्रिल वगैरह ना होने की वजह से बहुत क्लियर व्यू आ रहा है, पर जितना शानदार यह दिख रहा है ना उससे कहीं गुना ज़्यादा डेंजरस है। पिथौरागढ़ से करीब हम कुछ 15-20 किलोमीटर आगे आ गए हैं, सनसेट होने पे है और थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा, तो आई गेस अभी हमको एक सेफ लोकेशन ढूंढ के कैंप सेटअप कर लेना चाहिए। तो अब फटाफट जाके कोई लोकेशन ढूंढते हैं और उसके बाद वहीं मैं आपसे मिलता हूँ। वैसे तो हमें नीचे की तरफ से जाना था पर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मैं ऊपर जाके बताता हूँ हमने ऐसा क्यों किया। तो यार अभी बीच में एक जगह पड़ी है यहाँ कनाली छीना, तो यहाँ एक सही लोकेशन मिल गई थी, पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने ही, तो हमने इनसे रिक्वेस्ट किया और ये भैया यहाँ मिले, इन्होंने हमें अलाउ कर दिया, तो फिलहाल यहाँ पर करेंगे हम कैंप। इन्होंने हमें अलाउ किया तो यहाँ कैंप करेंगे आज रात का। तो सामान वगैरह खोल रहे हैं, पीछे लोकेशन है दिखाता हूँ आपको, बहुत सही लोकेशन है। खाना वाना आज यहीं बनाएंगे, टेंट लगाएंगे और आज का दिन बेसिकली यहीं बीतने वाला है, फिर कल सुबह देखेंगे। आज रात को हमारा साथ देंगे मेरे को लग रहा है। तो यो